मजबूती के साथ रखें। डॉक्टर ताज मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने बैठे मेरे बुज़ुर्ग साथी और मेरे बराबर में बैठे मेरे सभी सम्मानित पदाधिकारी व मेरे साथीगण, सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखो, एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है, इस पर गौर करो। एक नई बात आई है निकल के कि जो हाल फिलहाल में शादी है उन लोगों से मिलने का जो काम है वो भी ज़रूरी है। ये आज मीटिंग में बात आने से जो है ये बात जहन में आई है कि बहुत जल्दी एक दो दिन में उन लोगों से भी मुलाकात करने का सिलसिला जारी होगा जिनके यहाँ भी हाल फिलहाल में शादी हैं। और गफ्फार भाई ने बताया है कि 26 जनवरी से पहले पहले कोशिश करेंगे बड़ी मीटिंग करने की, उसमें जो भी बातों पर तज़किरा होगा मशवरे में आएंगे, उन्हें घोषणा की जाएगी आप लोगों के बीच में। देखो, एक तो रोटी का मामला कि मंडप में फ्राई और कढ़ाई बिल्कुल बंद हो जाए, दशहरी वाला मामला। दूसरा चूड़ी पिनाई वाला मामला, मंडप में जाकर रिश्ते चढ़ाना, लड़का रोकना, बड़े ये जो फिजूल खर्ची के काम हैं इन पे गौर कर लो, इन पे जो है मन बना लो अपना, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और उस पैसे को बचा के बहुत काम ऐसे हैं जिन्हें आप कर सकते हो। बच्चों का भविष्य बनाओ, बड़ी शादी करने से कभी बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। उनको अच्छा कारोबार दिलाओ, अच्छी शिक्षा दिलाओ, अच्छा खान पान दो उन्हें, अच्छा मकान दो उन्हें, ये कर्तव्य हमारा बनता है। अच्छी शादी करने से भविष्य नहीं बनता। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।